हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं एक और नई डिज़ाइन लेस की लेकर आई हूँ और ये बहुत ही सुंदर है देखने में और बनाने में उतनी ही ईजी है। देखिए, तो इसे आप किसी पे भी लगा सकते हैं। प्लाजो में ये बहुत ही सुंदर लगेगी और ये बाजू पे भी अच्छी लगेगी। और ये अगर आप जैकेट बना रहे हैं क्रोशिया की, उसमें बॉर्डर भी ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसे बनाना आसानी से बन जाती है। इसे मैंने धागे से बना रखा है, आप चाहे तो रेशम से इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए, शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम 9 चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। देखिए, 9 चैन बनाने के बाद हम 6 चैन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः चैन बनाने के बाद ये 6 चैनें छोड़कर हम यहाँ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम सारी चैनों में इधर एक एक बार, यानी कि 9 बार हम डबल क्रोशिया बुनेंगे सारी चैनों में एक एक बार। तो ये देखिए, हमने सारी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बुन ली। तो ये 9 बार हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 की 9 ही रहेंगी हर बार। तो हर बार हम इन 9 चैनों में डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम पहले 6 चैन बनाएंगे, 3 4 5 6। इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद इन सारी चैनों में हमें सेम इसी तरह बुनेंगे। देखिए, यहाँ से तो फिर से हमें सेम रिपीट करना है। तो इन चैनों में हम हर बार सेम इसी तरह बुनेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, तो ये हमने सेम रिपीट कर ली। यहाँ तक अपन फिर से 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पलट कर सेम इसी तरह यहाँ लाएंगे हम। तो देखिए, मैं इधर ले आई सेम इसी तरह और फिर से मैं 6 चैन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। तो सेम इधर लाना है हमें, इस तरह के 2 बन जाना चाहिए ये होल। देखिए, 2 बन गए इधर। तो अब इधर से हम इधर ले आएंगे, फिर बनाएंगे। तो ये यहाँ बनाना है हमें, सेम रिपीट करना है डबल क्रोशिया, इधर ले आना है। तो देखिए, सेम इस तरह ले आई और ये 2 बन जाएंगे जब भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए, अब हम बनाने वाले हैं ये वाला हिस्सा। तो इसमें हम एक ही होल में
10 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, देखिए 10 हो गए ये। 10 बार हमने सेम इसमें डबल क्रोशिया बुन ली। अब इसको हम इस वाली यहाँ जोड़ेंगे, इस वाली चैन के लास्ट में। इस तरह जोड़ दिया, इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद धागा पीछे रखेंगे और ये पहले पहले चैन में हम इस तरह से निकालेंगे। फिर हम दो चैन बनाएंगे, देखिए दो चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया हम इसी होल में बुनेंगे 3 बार, एक दो तीन, ये 3 बार हमने एक ही होल में बुन ली। अब हम दो चैन छोड़कर तीसरी वाली पे जोड़ेंगे, 1 2 3। तो इसमें हमें जोड़ना है इसे, फिर से हम दो चैन बनाएंगे और फिर हम एक ही होल में 3 बार डबल क्रोशिया बुनेंगे। और दो चैन छोड़कर तीसरी वाली पे हमें जोड़ेंगे, 1 2 यहाँ, तो सेम रिपीट करना है। फिर से हम यही बुनेंगे, एक दो यहाँ जोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ जोड़ने के बाद ये 9 चैने हैं, इनमें हमें ऐसे ही बुनना है, सेम रिपीट करना है डबल क्रोशिया। अब यहाँ जोड़ने के बाद हम 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाने के बाद डबल क्रोशिया हम इधर बुनते ले आएंगे, हर चैन में एक बार, ये देखिए इस तरह। तो देखिए मैं इस तरफ ले आई, तो फिर से 6 चैन बनानी है मुझे, 1 2 3 4 5 6, सेम रिपीट करेंगे हम। डबल क्रोशिया, तो इस तरह ये लेस बनती चली जाएगी। फिर इधर ले आते हैं इसे हम बुनते हुए, तो ये देखिए मैं यहाँ तक ले आई इसको। फिर से 6 चैन बनाएंगे, 6, और सेम इधर ले आएंगे हम उसे बुनते हुए पहले की तरह। देखिए डबल क्रोशिया बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो ये 2 होल बन गए, अब इधर लाएंगे फिर उधर लाएंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ ले आई, 6 चैन बना ली, अब सेम इधर ले आना है और फिर इस तरफ ले आना पहले की तरह, और ये लेस बनती चली जाएगी। तो इसको बनाना बड़ा ही इजी है, कोई भी इसे बना सकता है। तो ऐसी ही इजी इजी वीडियो मेरी बहुत सारी लेस की डली हुई है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं उस पर।
तो हर बार इसी तरह रिपीट करते रहना है, लेस बनती चली जाएगी। देखिए यहाँ तक लाकर फिर से हमें इसमें 10 बार बुनना है डबल क्रोशिया। तो देखिए मैंने इसमें 10 बार डबल क्रोशिया बुन ली और इस वाली चैन के लास्ट में हमें जोड़ देना है इसे। फिर पलटते हुए सेम उसी तरह रिपीट करेंगे जैसे पहले करा था। फिर धागे को पीछे किया इस तरह और इस चैन से हमें इसे निकाल लेना है। देखिए फिर दो चैन बनाएंगे और फिर सेम पहले की तरह ही रिपीट करेंगे इसे। तो ये बड़ी ही आसानी से ये लेस बन जाती है। तो सेम रिपीट करते जाना है। तो देखिए इस तरह बनाते जाना है। देखिए तो ये आप भी बना सकते हैं, इसे काफ़ी आसानी से बन जाती है। तो ये बनने के बाद इस तरह दिखती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं मिलती रहूँगी।